366. Unit 66 calling dispatch. Come in dispatch. This is dispatch. हाँ बोलो unit 66. क्या ये तुम हो लैरी? हाँ ये मैं हूँ ईडा. उजाड़ हवेली की मालूमात करने जा रहा हूँ. हाँ वो तो काफी भयानक है. हाँ मगर कैसे? अगर मैं वहाँ मौजूद हूँ तो. अच्छा मजाक कर लेती हो. Unit 66. Over and out. यहाँ पर कोई है? ये क्या? तुमने तो चौंका दिया मुझे. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रात की तैयारी कर रही हूँ. तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ रहती हो? हाँ, क्यों पूछा तुमने? देखो ये सरकारी जगह है, यहाँ रहने की इजाजत नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे कत्ल हुए यहाँ. कत्ल? कुछ साल पहले की बात है, वो भी एक भयानक रात थी जब यहाँ सेंट रीटा एकेडमी के विद्यार्थियों का कत्ल हुआ था. ओहो, ये तो बहुत डरावना है. हाँ मैडम, I'm sorry, आपको ये जगह खाली करनी होगी. कौन कहता है? मैं कहता हूँ. देखो ये बैज, इसका मतलब है कानून और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए. कानून अब यहाँ है और अब वक्त है फैसला सुनाने का. We'll be right back.
ट्रिक क्या ट्रीट लुइस। तुम्हारे ख्याल हमेशा गलत क्यों होते रहेंगे? अरे ये मजाक था, रिलैक्स। काफी अच्छा लगा, थैंक्स। शुक्रिया, हमें खुशी है तुम्हें पसंद आया। आराम से चलो भाई। क्यों डर लग रहा है? हे रेकी, काफी अच्छा मजाक किया तुमने, लेकिन एकदम बकवास। चलो कोई बात नहीं। शायद डांस में होंगी। कौन सा डांस? पार्टी बॉय कॉस्ट्यूम डांस स्कूल में। तुमने शायद इस बारे में सुना होगा अगर तुम वहां गए होगे। निक देखो क्या बकरा है, खिलाए। और साथ में उसके दोस्त भी ढूंढना मेरे लिए। रोमियो ने भी बड़ी मेहनत की थी तुम्हारे लिए, मगर वो भी नाकाम रहा। अब बस में करो लुइस, तुम्हें नहीं पता लड़कियों के मामले में ये किस्मत वाला है। ठीक कहा ऑसिन। ये मेरी जूलियट है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, समझे? अरे ये तो शुरू भी हो गया, चलो इसे माफी मांगो। अरे यार विंस, माफी मांगो। ये हुई ना बात, माफ किया इसे। ओके विंस, तुमने अपनी बात कर ली, अब इसे कहने दो। ये तुम्हारा मामला नहीं अनेक। इस वक्त तुम मेरे गाड़ी के ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसीलिए मैंने इसमें दखल दिया। भाड़ में जाओ, इसे ठीक से गाड़ी चलाने दो। ओके माफ कर दो, आई एम सॉरी। चलो जो हो गया सो हो गया। इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों? मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं तुमसे उलझा क्यों ऑर्सन। इसकी वजह है वैन कोचू। चलो ठीक है, लेकिन अगली बार जब तुम अपना थोबड़ा मेरे करीब लाओ तो चाकू की माफी पकड़े रखना। और तुम भी अपना मुंह अच्छी तरह से धोकर रखना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सड़ी हुई मच्छी की बदबू आती है। तेरे कहने का मतलब क्या है? हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि मुझसे बात करने से पहले तुम्हें 100 बार सोच लेना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हमारी समझ में आ गया। तुम दोनों के सिर में बड़े बड़े सींग हैं। इससे पहले कि हम बहरे हो जाए तुम लोग दोनों खामोश हो जाओ। होश में रहना। तुमने मरने मारने का इरादा कर लिया है? तुम जानते नहीं कितना पागल है। एक बार और ट्राई करो। इसे जोड़ नहीं सकती। मैं क्या दिखती हूं तुम्हें? औजार बॉक्स? तुम पूरी औजार की दुकान मालूम पड़ती हो। अरे वाह वाह, यही है वो हसीनों की मलिका और उसकी हसीन परछाई। वाह। हाँ मेरी है वो हसीनों की मलिका और उसकी परछाई। गुड इवनिंग लेडीज, हम आपकी कुछ मदद करें? मदद? क्या आप लोग डांस के लिए जा रहे हैं? शायद नहीं, पर हम वहां आपको ड्रॉप कर सकते हैं। शुक्रिया, पर हमें वहां नहीं जाना। हम लोग यहाँ बीच रास्ते में ही खड़े रह जाएंगे और दूसरी गाड़ी पता नहीं कब आए। पैदल जाएंगे, मैंने कोट नहीं पहना, ठंड में मर जाऊंगी। ये ठीक कहती हैं। चलिए अंदर आ जाइए, ठंडी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। देखो तुम्हें भी कितनी ठंड लग रही है। अभी कम ऑन, आ जाओ। Bye.
क्या देख रही हो? क्या तुम मेरे से अलजेब्रा क्लास में हो? शायद नहीं, क्योंकि हफ्ते भर से मैं वहां नहीं गया। ऐसा लगा हम मिले हैं। तब तो मैंने तुम पर अपना इंप्रेशन जमाया होगा। मैं समझी नहीं। ओके, तुम्हें मैं समझा देता हूँ। सुनो दोस्तों, मिस खूबसूरत की उत्सुकता मुझ में बढ़ गई है। तो हम लोग आपको कहाँ ड्रॉप करें, स्कूल के डांस में या होटल में? कधे हो तुम लोग? अरे वहां शॉपिंग सेंटर से मुझे कुछ सिगरेट्स लेनी है। क्यों विंस, क्या ख्याल है? ठीक है। अरे निक, मैं अपने लिए कुछ बियर लाता हूँ। मैं अपने भाई का ये आईडी लाया हूँ। नहीं समझा? समझेगा भी नहीं। हाँ, मुझे एक पैक मेंथोल कूल्स भी चाहिए प्लीज। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। ये मैं हूँ, इस दाढ़ी के बगैर मैं काफी यंग लगता हूँ। हाँ, अरे मैं हूँ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। प्लीज टू मीट यू क्वीनी। चलो मुझे मेरा बियर दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। और अगर ना दू तो? मतलब तुम मुझे बियर देने से इनकार कर रहे हो? तुमने ठीक समझा। मोटे, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी तमीज नहीं सिखाई। मैंने सही कहा ना? ठीक कहा पुलिस, ऐसी बात है तो मैं अपना भाई, मैं तो अपना पर्स निकाल रहा हूँ। वो तो मैं तुम्हारी कब्र से भी निकाल लूंगा बच्चों। और मैं तुम्हारी कब्र से क्या निकालूंगा जानते हो? कम ऑन विंस, क्या कर रहे हो यार? इस बूढ़े खुसट को इसकी औकात बता रहा हूं मैं। मुझे यकीन नहीं होता सर, ये कोई तरीका नहीं हुआ बर्खास्तगी का। ये भी मैं पहली बार तरीकी किसी ऑफिसर को बिना नोटिस के निकाला गया। ये होता तो नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। रुक जाओ। ठीक है लड़को, टेक इट इजी इजी। रुक जाओ, रुक जाओ। Oh my God! मोटे काबू से! कार्तूस बता मुझे, कार्तूस बता, जल्दी! सर्जेंट, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो?
ऐसा लग रहा है घायल हो चुका हूँ, लेकिन ठीक हूँ मैं। चलो जल्दी से अंदर चले। अच्छा हुआ तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। बंद करो ये आवाज तुम लोग। विंस, हमें रेजी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। हार में क्या रेजी? ओके, मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया और तुम लोग देखते रहे, सिर्फ देखते रहे। गाड़ी रोको, मैं रेजी को बाहर ले जाता हूँ। जाने दो नेक, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, हम लोग यहाँ साथ में। ओके, हम लोग साथ में है। ये हुई ना बात। विंस, किस और गाड़ी ले जा रहे हो तुम? हम लोग एक ड्राइव पर जा रहे हैं, इतनी लंबी ड्राइव पर, जब तक हम लोग काफी दूर न पहुंचे। रेजी उतनी देर तक रुक नहीं सकता, और अब तक तो चारों तरफ नाकाबंदी भी हो चुकी होगी। धाम तेरी की। हिम्मत रखो। ओफो, पेट्रोल खत्म हो रहा है। न भागने की जगह है न छुपने। क्या? पुरानी शमशान भूमि उजाड़ हवेली, लगता है सालों से खाली है। तुम लोग पागल हो, चुप करो, इसे इलाज की सख्त जरूरत है। वहाँ फंसने वाली बात है, वहाँ ये किसी इंफेक्शन से मर जाएगा या फिर खून बहता रहेगा। ये बिल्कुल ठीक कहती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए विंस। राइट, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सर, नाकाबंदी हो चुकी है, शहर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है सर। और तुम चारों तरफ इतला करवा दो कि ये बच्चे किलर नहीं है। हाँ, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम या कोई और इसमें दखल दे, काफी खून खराबा हो चुका है। यस सर। तुमने कई बुरी आदतें पाल रखी हैं रुकी। यस सर। ये चाहता है कि हम उसे बच्चे की तरह पकड़े रहें। अरे, दो घंटे में पूरी फोर्स यहाँ जाएगी और यहाँ आकर मेरा भेजा खाएगी। मेरा भी? यूनिट 66, हादसे की पूरी रिपोर्ट दो। विंस, प्लीज हम लोगों को अंदर मत ले चलो, मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्यों? शायद इसलिए कि भूत बहते पानी को पार नहीं कर सकता। ठीक कहा तुमने, भूत। शायद यही बात पुलिस वालों के साथ भी लागू हो। नहीं विंस। जगह उजाड़ है अभी, लेकिन बिजली तो काम कर रही है। निकलो यहाँ से, लगता है यहाँ कोई रहता है। जो भी यहाँ रहता है वो शायद अभी मौजूद नहीं है। हिम्मत से काम लो,
लोग यहाँ से निकल चले। विंस को छोड़कर। मैं विंस की बात नहीं कर रही। फिर तुम और किसके बारे में बात कर रहे हो अभी? भूतों की? शायद उनमें से किसी ने सजावट कर रखी है। हाँ हेलो हेलो, कोई है यहाँ पर? बाहर आओ, कहाँ हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। तब तो उन्हें बुलाना बंद कर देना चाहिए। हाँ काफी आवाजें लगा चुका हूं मैं उन मूर्तों को जगाने के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सुनापन क्यों लग रहा है? भूल जाओ सुनेपन को, यहां किसी मरी हुई चीज की दुर्गंध आ रही है। देर हो चुकी, हम प्रेतों के चक्कर में आ गए। देखो मैं देखता हूं। वो क्या है, खून? दिखता वैसा ही है। ना ना ना, मैंने जरूर दीवार पर कोई पाइप पटका होगा, शायद ये गंदा पानी या कुछ और। पता नहीं विंस, लेकिन यहाँ कोई पाइप दिखाई नहीं दे रहा है। आराम से चलो उल्टी खोपड़ी। मुझे सोचने दो, शायद यहाँ नजदीक से जरूर कोई निकलने का रास्ता होगा। चलो दोस्तों, ढूंढते हैं, शायद हमें यहाँ कोई अच्छा कमरा मिल जाए। देखते हैं। ओ, ये क्या? कौन हो तुम? हाँ बताओ कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? सवाल पहले मैंने पूछा है। मैं यहाँ रहती हूँ। कोई यहाँ नहीं रहता? हाँ हाँ मैं रहती हूँ, मेहमान नवाजी की तैयारी कर रही थी। शायद वो कैंडल्स इसीलिए जली हैं। क्या कोई और भी रहता है यहाँ? बहुत सारी बातें नहीं जाननी चाहिए बच्चों को। बात सीधी कर बेवकूफ, नहीं तो ये तेरी खोपड़ी उड़ा देगा, है ना बेबी? ठीक बोल रही है ये। और सुन, बंदूक मुझे दो। नहीं, ये कोई खेल नहीं है, बंदूक मुझे दो। नहीं, बंदूक दे दो और सुन। दे भी दो। दे दो। चुप हो जाओ तुम दोनों। लगता है तुम्हें मर्दों वाली कोई बात नहीं। मुझे मजबूर मत करो तुम। तुम गोली नहीं चलाओ? अच्छा नहीं चलाऊंगा। इसे जरूरत है मेरी। तुम चाहते हो कि मैं इस पर नजर रखूं कि यह अकेली है? ठीक है ऑर्सन, तुम इन लोगों को संभालो और इसे भी। मैं इस भूत बंगले की तलाशी लेता हूं। कम ऑन। लेट्स गो।
खुद चेक करो। तुम क्या करने जा रहे हो? अरे जाना जाओ उसे, मैं कुछ भी उसे कॉल करती हूँ। मैन, क्या तुम इसे चुप नहीं करा सकती? ये औरत कर क्या रही है? वो उसे बहका रही है। चलो यहां से निकले, यही मौका है। क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? एक मैकेनिक ने मुझे सिखाया है। हरी आप विंस, हम लोगों को यहाँ न पाकर बौखला जाएगा। और निक्का क्या करे? निक्का क्या करे? अरे हमें फौरन निकल जाना चाहिए यहाँ से। अभी मैनिक के बिना नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। ओके निक, होली कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ होली। होली निक, यूनिट 66, दिस इज डिस्पैच, कम इन 66। लैरी कहाँ हो तुम? रजी, मैं भी वापस आती हूँ। ओके मुझे हॉली को ढूंढना है। कम ऑन, खुल जाओ प्लीज, खुल जाओ। एबी गॉड, क्या तुम ऊपर हो? मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, जल्दी आओ। तुम कैसे निकलोगी यहां से? इसमें क्या दिक्कत है? जी वहां पर है वो, बाद में, अभी हमें छुपना है फिलहाल। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? निक विंस से अलग हो गया है। ठीक है चलो इन्हें ढूंढते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब तुम वापस जाओ तो उस विंस की चहेती बन जाओ, उसकी खूबसूरत परछाई की तरह? कोई भी इंसान दोबारा कड़ी मेहनत इसलिए करता है कि उसकी पहचान बने। बंद करो ये सब, मुझे नहीं करना ये सब। बहुत देर हो चुकी है, तुमने अपनी पसंद चुन ली है। तुम किसकी बात कर रही हो?
प्लीज इस झमेले में मत फंसो, चलो इस नर्क से बाहर निकलो। नहीं, हम यही रोकेंगे, कोई भी जगह नहीं बची अब हमारे लिए, क्योंकि बाहर पुलिस वाला मरा पड़ा है। अरे कौन है वहां? जीसस विंस, चलो। आइडा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ जेंट्री रेंज से, अब जा रहा हूँ डेविस प्लेस की ओर। सोच ले, तुम्हें मदद की जरूरत तो नहीं? अभी तो नहीं, उन लड़कों को थोड़ा और टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। ओ अच्छा, काफी रात हो चुकी है और ऑफिशियली तुम रिटायर हो चुके हो। तो क्या हुआ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तुम यहीं पर रुको, ओके? विंस, प्लीज भीतर मत जाओ, अब तो सिर्फ इंतजार करना होगा। अभी तुम वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऑर्सन से बच कैसे गई तुम? मुझे नहीं चाहिए ऑर्सन, बस एक रात मेरे साथ, मुझे बस तुम चाहिए। से बात कर रही थी या और कुछ? इतनी रोशनी क्यों है? ये किसका कमरा है? मिसेज शैतान का? ऑर्सन, खुल जा। तुम कहाँ जा रही हो हॉली? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ऑर्सन, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या पता, शैतान ने ऐसा किया है। मेरे पास आओ रेजी, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं होता। तुम भी पास सावरे जी। हेलो जी। आओ रे जी। आओ। रे जी। रे जी। रे जी। रे जी। सड़ी हुई बिल्ली, मुझे बता क्या हासिल किया तूने? मैंने कहा बता मुझे क्या हासिल किया तूने? हवेली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक क्या बताओ ना मुझे, यूनिट 66 ने अब तक वहां चेक नहीं किया। उजाड़ हवेली, सर मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। जानती हूँ मैं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। तुमने मेरी यूनिफॉर्म खराब कर दी और ये मेरी खिड़की भी तोड़ दी। मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ मिस। प्लीज इस बंदूक को अलग कीजिए। ये मेरी बंदूक नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने भेजे का टुकड़ा पेश कर रहा हूँ। देखो किसने कहा तुम्हें भागने के लिए? रुक जाओ, वापस रहो। मैं कहता हूँ वापस आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। जाने मन, रुक जाओ, उस दरवाजे से बाहर मत जाओ। मैं कहता हूँ उस दरवाजे से बाहर मत जाओ। आए! 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 आए!
मुझे लगा विंस है। निक, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। निक, हॉली, यहाँ भूतों का अंडा। हॉली, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। अब कोई रास्ता नहीं बचा, रैंक पंक्चर हो गई है। हमें अंदर जाकर सबको बाहर लाना होगा। और रेजी कहाँ है? मैं नहीं जानते निक, रेजी वैन के अंदर था, पता नहीं वहाँ से कहाँ चला गया। हमें ढूंढना होगा। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। चुप हो जाओ, चलो चलो जल्दी। मैं अंदर नहीं आऊंगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी निक। आओ हॉली। निक ना, मुझे एबी को ढूंढना है। निक नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, प्लीज निक। बेवकूफ कहीं के, मेरी माँ ने तुझे बताया नहीं कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौट सकता? Come on! चलो देखते अंदर क्या गड़बड़ है। तुम अंदर जाकर उनसे पूछना चाहते हो? नहीं। पिस्तौल? ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? किस क्यों किया? होली, मैं नहीं जानता क्यों। मुझे लगा हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और ये मैं तब से करना चाहता था जब मैंने पहली बार तुम्हें स्कूल में देखा। तुम्हें देखते ही लगा था कि तुम एक अलग सी लड़की हो। एकदम अलग, मुझ जैसे पागल के लिए। ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस वाला हूं। असली पुलिस वाला? तुम यहां कैसे पहुंचे? मैजिक, और कैसे? तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं, उड़न दस्तरी है। उल्टी बातें मत करो हमसे, हम लोग यहां पहले ही फंस चुके हैं। क्या ये हथकड़ी जरूरी है? वही खड़े हो कबूतर, अपनी बंदूक फेंक दो। मैं ये नहीं कर सकता। फेंको प्लीज।
मुझे मार देगा। ओके, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है। निकी उन्हीं में से एक है। तुम्हारा मतलब ऑर्सन की तरह? हाँ वैसा ही। विंस, उससे दूर रहो। तुम गधे हो, नेक जीने का यही तरीका समझे? मेरी बात सुनो बेटे, जिस ऑफिसर को तुमने मारा था उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था और वो ठीक है। अब तुम लोगों ने किसी को नहीं मारा अब तक। क्या वो ठीक है? तुम इसकी बेकार की बातों में मत आओ। ये आदमी झूठ कह रहा है, वो पुलिस वाला मर चुका है। ले अपनी मौत को याद कर। तुम लोग ठीक हो? तुम ठीक हो मिस? ऐसा लगता है। चलो इस तरफ आ जाओ, यहाँ ठीक रहेगा। इधर निक, इसे सब कुछ बता देना चाहिए। ये हमारा विश्वास नहीं करेगा। हमें कुछ करना चाहिए निक। ये ले तो। ये क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, पर मेरा दिमाग इतना लापरवाह कभी नहीं था। ऑफिसर। चलो जल्दी करो ऑफिसर, ये तो बंद है। पहचाना मुझे? कल तुम रिटायर हो गए ना? तुम मुझे पहले भी उल्लू बना चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था स्वीटहार्ट। कम ऑन, हाँ आ जा। तुम क्या सोचती हो इतनी आसानी से बच जाओगी? कम ऑन बेबी। तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी हो, तुम्हारी जवानी ने मुझे दीवाना कर दिया है। Come on, Nick. Come on. मेरी गाड़ी में चलो। रुको। तुम जानती हो मैं तुम्हें झटके में मार सकती हूँ, मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, पर तुम्हारी आत्मा नहीं। किसी भी हालत में मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तुम्हें हमारी आत्मा चाहिए? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, इसमें शक्ति का भंडार है। अगर तुम इसे मुझे दोगी तो इन दोनों को जाने दोगी। इसने आज तुम्हारी जान बचाई है कि नहीं? मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ इसकी जान बचाने के लिए। क्या तुम इन्हें सच में जाने दोगे? जरूर। इसके बारे में क्या राय है? आओ मेरे बच्चों, सूरज निकलने वाला है, नरक लोक में लौटने का समय हो गया। ऐसा ऐसा मत करे तो। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप एक हीरो बन सकते हैं, पर मैं एक मामूली इंसान हूं जिसका भविष्य जुड़ा है ऑटो मैकेनिक से। मैं जानती हूं तुम्हें पसंद था एबी, पर विंस को मेरी ज्यादा जरूरत थी।
हमें कुछ करना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। प्लीज तुम कुछ कर सकते हो? तुम क्यों नहीं करते? मुझे कोई हीरो नहीं बनना। इसके बारे में सोचूं? तुम्हारे पास चाकू है? एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूं कि तुम एक अद्भुत जीव हो जिसके पास अपार शक्ति का भंडार है, पर मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत मैजिक मुझे भी आती है। मुझे अपने स्ट्रिक पर बहुत भरोसा है, मैं दावा करता हूं। तुमने पहले से नहीं देखा होगा, तुम ध्यान से देखो, मैं कुछ मंत्र पढ़ता हूं। पुकास पुकास, अबरा का डबरा, और तुमने मुझे ललकारा है बुड्ढे। देख जल्दी करो। जल्दी अंदर बैठो। जल्दी करो, नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं। कमान नेक, छोड़ो इसे, सूरज निकलने ही वाले, चलो यहाँ से, पैदल ही चलते, चलो जल्दी यहाँ से। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या जानते हो, उस सुपरमार्केट में छुपे हुए कैमरे ने तुम में से किसी की भी फोटो नहीं ली। तुम लोग अपने घर जा सकते हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वहां थे। अब इसका क्या करें, और इन सबका क्या होगा? कौन यकीन करेगा इन सबका? तुम अभी भी मेरी जाने जिगर हो, चैन की नींद सो जाओ, जान गुड बाय। चलो हॉली, कम ऑन, हम लोग उस दरवाजे के करीब आ चुके हैं। तुम दोनों एक मौका पा चुके हो, लेकिन इस बार एक भयंकर मौत मरोगे। हॉली हॉली, देखो सूरज निकल चुका है। चलो हॉली, पीछे जोर लगा, हॉली हॉली। आओ होली, चले। नहीं,
इनकी आत्मा को शांति मिले। चलो अब इससे ज्यादा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। सात लोग मौत की नींद सो गए आज की रात, यह हादसा भुलाने वाला नहीं है। पुलिस इसकी छानबीन करेगी और गवर्नमेंट भी, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ आऊंगी। क्यों? क्योंकि फिर से यह घटना यहाँ ना घट सके और दोबारा भूतों की रानी जिंदा ना हो। अभी तो चलो। भूतों की रानी खुश हुई। Thank you.